साथियों, दिस इज विक्की मिश्रा एंड यू वाचिंग विक्की 24 मिश्रा। तो आज हम थोड़ा सा हटके और अपने विषय वस्तु से हटके बात करने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में पिछले साल 2020 से अगर बात करी जाए, आज भी अगर बात करी जाए, तो ये कोरोना जिस शब्द का नाम है बल्कि आज भी हम लोग कुछ लोग तो ये बोले कि अपना एनिवर्सरी मनाने के लिए कोरोना फिर से आ गया है। और जगह जगह पे कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की मुसीबत भी आ गई है और लगभग हर तरह से प्रॉब्लम में है, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, व्यस्क हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, हर तरह के लोग इससे परेशान हैं। और थोड़ा सा मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये हमारा हटके है, इसलिए आना पड़ा है और इस अलग टॉपिक से मुझे आज बात करना पड़ा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या सरकारी कॉलेजेज हैं, बच्चे का भविष्य, ऐसा बोला जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और इन्हीं के भविष्य खतरा में मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि बात ये होता है कि दिमाग जो होता है जिस क्राइटेरिया में, क्योंकि आज पबजी जो आ गया है, ये काफ़ी विद्यार्थियों को तो ले ही जा रहा है, ले डूब रहा है, और इसमें अगर छुट्टी मिला जाए तो बच्चे पे प्रेशर नहीं मिलेगा और वो कुछ बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो हमारे ख्याल से ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन पे ना लगाया जाए, बच्चों को कम से कम आज़ादी दिया जाए, उन लोगों को पढ़ाई पर कोई बाध्य ना हो, उन लोगों के भविष्य पर कोई खतरा ना मंड रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी से हो सके, कम से कम आप वहाँ पे जहाँ पे रेड जोन है वहाँ पे लगाइए, लॉकडाउन पूर्ण रूप से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रात्रि कर्फ्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में कम से कम बच्चों को, अरे पूरा डे नहीं चलेगा, कम से कम कुछ देर के लिए इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस को आज़ादी दिया जाए, फ्री दिया जाए, ताकि वो अपना पढ़ाई को कुछ आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर मैं बिहार से हूँ और अभी की एग्जाम की बात करें अगर, तो लॉकडाउन रहा और पूर्ण रूप से स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद रहा, लेकिन मैट्रिक का भी एग्जाम हुआ, इंटर का भी एग्जाम हुआ। हाँ, कुछ ढील मिला था, छूट मिला था कि जहाँ 50 क्वेश्चन करना चाहिए था वहाँ पर 100 क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो 100 भी नहीं आएंगे ना, आपको 100 दे देने से मेरे को 5 थोड़ी ही आ जाने वाला है। तो इस तरह के वाहियात ढील दे करके ऐसे बोला जाता है कि एग्जाम में लॉकडाउन को जैसे पढ़ाई नहीं हुआ, तो और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दे करके विद्यार्थियों को फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया गया। तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सरकारी जितने भी हैं, इनको कुछ ढील दिया जाए, क्योंकि आप ही लोग बता रहे हैं कि ऐसे डोज दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, जो 45 से अब उम्र वाले को दिया जा रहा है, तो बच्चे को वैक्सीनेट जब नहीं किया जा रहा, तो इनको छोड़िए ना, इनको कौन से कोरोना से खतरा है। इन लोगों को कम से कम स्कूल कॉलेज जाने दिया जाए और इन लोगों की पढ़ाई करने दिया जाए, पढ़ाई बाधित ना किया जाए। सरकार अपना काम स्वयं कर सकती है, हम जानते हैं, हमसे बेहतर अनुभवी हैं, एक से बढ़कर एक विशेषज्ञ डॉक्टर सबको ही भरे पड़े हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उचित निर्णय लिया जाए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके कॉलेज इंस्टीट्यूशन को रीओपन किया जाए। ये 11 तारीख से 18 तारीख फिर 22 तारीख, ये बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहाँ तक कोरोना की बात मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे जहाँ तक मालूम है, इम्यूनिटी सिस्टम बच्चे का स्ट्रांग है इसे कोरोना, क्योंकि अब तक जितना भी मृत्यु दर है उसमें से आप देख लीजिए कि बच्चे का और ये कितना ज़्यादा प्रभावित किया है, यंग स्टार को कितना प्रभावित किया है। तो इन लोगों पे ब्लैक कॉमेडी क्यों किया जा रहा है, तो इन लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। सरकार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, हर कोई अपने, अरे कौन नहीं डरता है भाई, जीना तो हर कोई चाहता है ना, अपने हिसाब से जीना चाहता है, डरता हर कोई है, अपने हिसाब से मास्क का प्रयोग कोई कर सकता है, सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकता है, हर चीज़ रख सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद करना ये कहीं से उचित नहीं है। बार बार ये डेट बढ़ाना कि 11 से अब 18 कर दिया गया, फिर 18 तारीख को आप ये बोलिएगा कि 30 तारीख कर दिया गया, फिर 30 तारीख को आप बोलिएगा कि अगले महीने एक महीना के लिए, ये क्या चल रहा है, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया। हमारे ख्याल से ये देखा जाए तो कहीं से उचित नहीं है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पे अमल किया जाए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस वाहियात सिस्टम को जितना जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं। ये खास विशेष टॉपिक यही था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इंस्टीट्यूशन को रीओपन किया जाए और ये लॉकडाउन का वाहियात नौटंकी जो चल रहा है इसको कम से कम खत्म किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।